नमस्कार दोस्तों पर आप सभी का स्वागत है है दोस्तों 1997 की बात है, 25 साल से ज़्यादा का समय हो गया है अगर आप में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो शायद तब तक आपका जन्म भी नहीं हुआ था आई स्टिल रिमेंबर गर्मियों की छुट्टियां थी एंड बॉर्डर फिल्म रिलीज हुई थी एंड वी आज फादर हमने कहा पापा को कि चलिए हम भी थिएटर में जाकर देख कर आएंगे क्योंकि बहुत गाने बहुत हिट हो गए थे वो संदेश से आते हैं ऑल थिंग्स एंड इट वाज ऑब्वियसली पेट्रीटिक फिल्म तो हमें था कि देख कर आएंगे इट ऑल दैट एंड वी वर टोल्ड कि चुप रहो अभी बहुत बड़ी हिट है पिक्चर एकदम से जैसे ही रिलीज हुई एकदम से थिएटर्स खचाखच भरने लग गए थे तो वी वह टोल्ड कि बाद में देखेंगे चलिए इन सभी थिएटर्स में जो बैक टू बैक भर रहे थे हाउसफुल शोज जा रहे थे एक थिएटर था उपहार सिनेमा दिल्ली के ग्रीन पार्क में जहाँ उपहार सिनेमा ट्रेजिडी घटित हुई क्या थी उपहार सिनेमा ट्रेजेडी इसके बारे में बात करेंगे इसके बारे में आज हम क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज एक मिनी सीरीज रिलीज की गई है ट्रायल बाय फायर तो आइए आज के सेशन में जानने का प्रयास करेंगे एग्जैक्टली exactly क्या ये ट्रेजिडी थी हुआ क्या था और क्या एक लीगल बैटल है जो अभी तक भी जो विक्टिम्स हैं या जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी जिनके लोगों की मृत्यु हुई डिजीज के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो लड़ रहे हैं चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज से तो तेरह जून जैसे कि मैंने कहा गर्मियों की छुट्टियां थी 1997 जेपी दत्ता की बॉर्डर की स्क्रीनिंग के समय एक भयानक आग लग गई उपहार सिनेमा में दिल्ली के ग्रीन पार्क में टोटल 59 लोगों की मृत्यु हुई दम घुटने से और आ, 103 लोग सीरियसली इंजर्ड हुए भगदड़ की वजह से स्टैम्पीड की वजह से बचने के लिए सब्सिक्वेंटली इसके बाद जो विक्टिम्स थे या उनकी जो जो भी डिजीज्ड हैं उनकी फैमिलीज के जो लोग थे उन सब ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार फायर ट्रेजेडी और फाइल किया डैमेजेस के लिए कोर्ट में केस चला गया अभी जनवरी तेरह को नेटफ्लिक्स ने एक मिनी सीरीज रिलीज की है ट्रायल बाय फायर जो कि बेस्ड है बुक जो कि पब्लिश हुई थी 2016 में रियल इवेंट्स पर बेस्ड है द शो रिकाउंट्स द इवेंट्स ऑफ द ट्रेजेडी क्या क्या हुआ कैसे कैसे हुआ और उसके बाद जो लीगल बैटल चल रहा है जो अभी भी चल रहा है फ्रॉम दर्स्पेक्टिव ऑफ अ कपल नीलम एंड शेखर कृष्ण मूर्ति पेरेंट्स हैं उन दो बच्चों के जिनकी जाने इस फायर में गई इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स इन पीडीएस अकेदमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेज एंड प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है एनडी लाइफ टेन सुबह ग्यारह बजे क्लास होती है स्पेशल क्लास क्लास एंड दिस इज फ्री तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए विद माय कोड नाउ द क्वेश्चन कैन बी मैम वाई अन अकेमी क्यों जुड़ेमी से देखिए से जुड़ने के ना बहुत सारे फायदे हैं जैसे कि वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स फ्लेक्सीबिलिटी टू चेंज योर यर्सेज डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स लाइव सेशन रिकॉर्डेड सेशन आप कितनी बार भी देख सकते हैं अलॉन्ग विद द और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं द क्वेश्चन कैन बी कैसे जुड़े मैम अन अकेडमी से जुड़ने का तरीका है सब्सक्रिप्शन लेना है आपको लेकिन यहां पर एक कैच है अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं एंडी सब्सक्रिप्शन तो आपको ये प्राइस नहीं पे करना होता यू हैव टू पे दिस अमाउंट तो काफी डिस्काउंट आपको मिल जाता है और एक और बेनिफिट ये है कि मेरी गाइडेंस मेरी मेंटोरशिप आपको मिलेगी आपकी जर्नी में चलिए शुरुआत करते हैं ये जानते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था उपहार सिनेमा फायर में तो जिस दिन ये हुआ उस दिन सुबह सुबह ही दो बड़े ट्रांसफार्मर जो कि इंस्टॉल थे ग्राउंड फ्लोर पर उपहार सिनेमा के कंपाउंड में नीचे बिल्डिंग में उनमें आग लग गई आग को बुझा दिया गया लेकिन उससे ट्रांसफार्मर में कुछ डैमेज हो गया ठीक है नाउ अब ऑब्वियस ही बात है पिक्चर हॉल है मूवी चलानी है बिजनेस है तो फटाफट उनको रिपेयर किया गया रनिंग चीज में लाया गया ताकि जैसे ही मूवी हॉल का जो काम है वो शुरू हो उससे पहले वो रेडी हो जाए और जल्दी जल्दी उसमें रिपेयरिंग कर दी गई लेकिन जो रिपेयरिंग थी वो बहुत परफेक्ट नहीं थी उसमें कुछ कमियाँ थी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से एक बहुत भयानक आग लगी बाद में क्या हुआ पाँच बजे के आसपास वो जो ट्रांसफार्मर थे उसमें फिर से आग लग गई जब उनमें से जो रिपेयर केबल था जिसको बहुत ही यू नो जल्दबाजी में रिपेयर किया गया था उसमें स्पार्किंग शुरू हो गई वो लूज़ हुआ स्पार्किंग शुरू हुई अब जो ट्रांसफार्मर जहां पर रखे हुए थे वहां पर उस एरिया में कोई ऑयल सोक पिट भी नहीं था ट्रांसफार्मर का अपना कोई ऑयल सोक पिट नहीं था जो कि आवश्यक है विच इज रिक्वायर्ड अंडर रेगुलेशन होना चाहिए जिसकी वजह से जो बर्निंग ऑयल था वो सब जगह फैल गया सब जगह फैला तो कार पार्क थी उससे कुछ दूरी पर ही टाइम ही नहीं लगा उन गाड़ियों में आग लगने से और गाड़ियां हैं पेट्रोल भरा हुआ है तो आग कैसे फैलेगी एंड धीरे धीरे देखते ही देखते थिक स्मोक शॉर्ट अपवर्ड धुआं ऊपर की तरफ उठने लगा नाउ जो भी पिक्चर देखने गए थे वो बिल्कुल सिचुएशन के लिए ना तो सिनेमा हॉल तैयार था ना वो लोग तैयार थे सिचुएशन जिसमें वो फंस गए थे स्मोक ने एंटर किया सिनेमा हॉल में और पावर चली गई थिएटर की बिजली गुल हो गई एंड दे वॉज कंप्लीट क्योस फिर तो भगदड़ मचनी ही थी जहां जो व्यूअर्स लोअर फ्लोर पे बैठे थे वो फिर भी एस्केप हो गए ना होता क्या था ना पहले सिंगल सिंगल थियेटर होते थे एंड टू बी तीन कैटेगरीज लोअर लेवल मिडिल लेवल एंड बैल्कि तीन कैटेगरी होती थी और तीनों सेग्रीगेटेड होती थी तीनों की एग्जिट एंट्रेंस अलग होती थी ठीक है अभी क्या होता है मल्टीप्लेक्स में यू हैव दिस काइंड ऑफ अ थिएटर तो यहाँ पर एग्जिट एंट्रेंस ऊपर नहीं होती अब नीचे ही होती है एंड ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट होता है पहले इट यूज टू बी लोअर अलग बैल्कनी तीन लेवल्स तो यहाँ पे जो लोअर लेवल पर थे वो लोग तो फिर भी बचकर निकल गए लेकिन जो बालकनी में लोग थे वो फंस गए वो नहीं निकल पाए और इसके बाद उनसठ लोगों की जान गई दम घुटने से क्योंकि वो निकल ही नहीं पाए बहुत सारे लोग मोर देन हंड्रेड पीपल देवर इंजर्ड इन स्टैम्पीड उस भगदड़ में इंजरी हुई इसके साथ साथ एक कहते ना कि इवेंट के बाद इवेंट होने लगता है शाम का समय है दिल्ली में ट्रैफिक की हालत हम सभी जानते हैं जो फायर फाइटर्स थे उनको भी एक घंटे से ज्यादा का समय लग गया इस लोकेशन पर पहुंचने में तो आग बढ़ती चली गई सिचुएशन मतलब आउट ऑफ हैंड चली गई नाउ यहां पर अ लॉर्ड ऑफ लैप जिनके बारे में बात की गई है उपहार सिनेमा ट्रेजेडी में तो सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे जो कि सीबीआई की तरफ से अपियर हुए दिल्ली हाई कोर्ट में 2007 में उन्होंने कहा कि सेफ्टी मेजर्स जो कि आवश्यक है पैनिक सिचुएशंस के लिए वो थे ही नहीं वर नॉट इन प्लेस इन दिस इल फेटेड थिएटर एंड इसीलिए जो लोग जिनको फाइनेंशियल गेन्स हो रहे थे फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द सिनेमा उनको क्रिमिनली लाइबल ठहराना चाहिए इन लैप्सिस के लिए जिससे इतना भयानक हादसा हुआ क्या क्या वो लैप्सिस थे सबसे पहले जिस जनरेटर में आग लगी उसको इंस्टॉल किया गया बहुत सारे नॉर्म्स को दरकिनार करते हुए इसके साथ साथ जो भी सेफ्टी मेजर्स एडोकेट सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए इसी के साथ साथ ये ऐसी जगह पर प्लेस किया गया जिस जगह को पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब सोच के देखिए ना जनरेटर भी वही है पार्किंग लॉट भी वही है जनरेटर में अगर आग लगेगी तो जो गाड़ियां हैं गाड़ियों में जो पेट्रोल है जो डीजल है वो क्या काम करेगा वो आग में घी का काम करेगा आग को बढ़ाएगा और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जो स्थिति यहाँ पर हुई इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता लगा कि जनरेटर के जो कई पीरियोडिक मेंटेनेंस होना चाहिए ना वो भी नहीं हुआ था जो कि आवश्यक है कानूनी रूप से जो कि नीडेड है उसके अलावा दूसरा लैप्स क्या था जो सिनेमा हॉल है बाहर बिल्डिंग में जो है वो सिचुएशन तो थी सिनेमा हॉल के अंदर भी जो एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए प्रोसीजर्स होने चाहिए देवर नॉट इन प्लेस जैसे कि वर नो एग्जिट लाइट्स कोई एग्जिट लाइट्स नहीं थी फुट लाइट्स नहीं थी इमरजेंसी लाइट्स नहीं थी जैसे ही आग लगी सिनेमा हॉल की लाइट चली गई बिजली बंद हो गई इट वॉज ऑल डार्क बिल्कुल अंधेरा हो गया लोगों को रास्ता ही नहीं मिला कहां से जाए दिस वॉज ऑल्सो देर कोई पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं था कि लोगों को अलर्ट कर दिया जाए मूवी जो देखने आए हैं उनको अबाउट फायर तो ऐसा था कि इतनी डार्कनेस थी इतना अंधेरा था थिएटर में हॉल में कि Uh, बहुत समय लगा को लोगों को इस समझने में कि कोई बहुत बड़ी आग लगी है बिल्डिंग में लोग समझ ही नहीं पाए इसके अलावा तीसरा जो एग्जिट्स थी वो लॉक थी का, काफी ज्यादा एग्जिट्स लॉक थी और जो गैंगवेज होते हैं उनको ब्लॉक कर दिया था क्योंकि हॉल में कोई अनऑथराइज एक्सटेंशन बन रहा था सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसके अलावा जो बिल्डिंग में खाली जगह होती है वहां पर भी देवर अनऑथराइज बिजनेसेस जिससे जिसने उस बिल्डिंग की जगह को घेर लिया जो खाली जगह मिल सकती थी और शायद लोग बच जाते तो दीज दी मेन लैप देर नाउ अगर लीगल बैटल की बात करें तो एक बहुत लंबा मतलब 25 साल पुराना ये केस है और एक काफी लंबा लीगल बैटल है जो विक्टिम्स और जो फैमिली हैं जिन लोगों की मृत्यु हुई वो ट्राई जिनमें ट्रायल कर रहे हैं वो कि सिनेमा ओनर्स को लाइबल ठहराया जाए इनिशियल चार्जशीट फाइल गए, की गई थी बाय दी इन्वेस्टिगेटिंग सीबीआई सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया था केस को इसमें सोलह अक्यूज के नाम थे जिसमें जो ओनर्स थे एंड गोपाल अनसल, इनके नाम भी दर्ज किए गए थे लेकिन ट्रायल काफी समय लगा बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आए फाइट फॉर जस्टिस आज भी चल रही है अभी भी इस केस का कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है जिसमें एक ऑन गोइंग केस चल रहा है एविडेंस टैंपरिंग का जो ट्रायल कोर्ट है उसने वर्डिक्ट दिया 2007 में ये में दस साल के बाद ट्रेजिडी के जिसमें कि उन्होंने की है, और दो साल की उनको सजा दी गई जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल जो भी इस तरह की जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है इस केस में दो साल की सजा मैक्सिमम होती है ये सजा दी गई लेकिन बाद में एक साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑब्वियसली ट्रायल कोर्ट से फिर वो अपील के लिए जाएंगे दिल्ली हाँ दिल्ली हाई हाई कोर्ट कोर्ट ने जहां कन्विक्शन को तो अपहेल्ड किया लेकिन सजा को रिड्यूस कर दिया एक साल के लिए इस केस में इसके बाद सुप्रीम गया। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट और में केस लगभग एक दशक तक चलता रहा दस साल तक दो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया दोनों भाइयों को कि वो पे करें फाइन ऑफ थर्टी करोड़ ईच तीस तीस करोड़ का फाइन लगा उन पर जो कि जाएगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रॉमा सेंटर ठीक है नाउ एज पर देंटेंस अगर सेंटेंस की बात करें तो सुशील अंसल जिन्होंने पांच महीने जेल में गुजारे थे उनको बाहर कर दिया मतलब उनको निकाल दिया गया एक्चुअली निकाल दिया क्या उनको रिलीज कर दिया गया जेल से उनकी एज की वजह से वो सेवेंटी सेवन ईयर्स और हेल्थ कॉम्प्लिकेशन की वजह से गोपाल को एक साल का सिवियर प्रिजन दिया गया इसके बाद क्या हुआ नाउदी कॉम्पनसेशन जो था तीस uh, तीस करोड़ तो देने ट्रामा सेंटर के लिए उसके अलावा कॉम्पनसेशन भी की बात भी हुई तो कॉम्पन्सेशन जो दिया गया वो दिया गया डिजीज को जिन लोगों की मृत्यु हुई दस लाख उनको जिनकी आयु बीस साल से ऊपर थी और साढ़े सात लाख बिलो ट्वेंटी इयर्स जो बीस साल से कम आयु के लोग थे उनको जितने लोगों की इंजरी हुई एक सौ तीन लोग इसमें इंजर हुए उनको एक एक लाख रुपए हर व्यक्ति को यहां पर एज अ कॉम्पन्सेशन दिया गया इसके बाद एक सेपरेट केस चला ब्रदर्स पर जहां पर उनको ट्रायल पर डाला गया फॉर एविडेंस टेम्परिंग कि आपने छेड़छाड़ की है एविडेंस से 2021 में अभी दो ही साल पहले लगभग एक डेढ़ साल पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटेंस किया है दोनों को सात साल का सिंपल इनप्रिजनमेंट फॉर टैंपरिंग एविडेंस ये भी चल ही रहा है मतलब नाउ द कोर्ट ऑल्सो इम्पोज फाइन ऑफ 2.5 करोड़ ऑन ईच ढाई करोड़ का फाइन भी लगा है दोनों भाइयों पर अलग अलग ढाई ढाई करोड़ का अभी भी ये केस चल रहा है ना ब्रदर्स ने अपील किया है ऑब्वियसली हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट वो अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील डाली हुई है यहाँ पर एग्जैक्टली exactly क्या है मतलब वॉट इज इट तो कहीं ना कहीं उपहार सिनेमा विक्टिम्स को लैक ऑफ क्लोजर की स्थिति देखने को मिलती है जुलाई नाइनटीन लास्ट ईयर पिछले साल दो में सुशील और uh, गोपाल अंसल जेल से रिहा हुए यहां जहां एक तरफ ये कह सकते हैं कि नथिंग कुड कॉम्पनसेट फैमिली कुछ भी जो जो लोग हैं जिन जिनके अपने फैमिली के लोग जिनकी मृत्यु हुई एक्सीडेंट में कुछ भी कॉम्पनसेट नहीं कर सकता कोर्ट ने कहा कि जो ये ऑर्डर किया गया इनकी रिलीज का इट इज बेसिकली ऑन दंसिडरेशन फॉर द ब्रदर्स एज एज की वजह से इसको कंसिडरेशन करके उनको रिलीज किया गया रिहा किया गया है जुडिशियल प्रोसेस है जिसको ड्रैक किया गया है ढाई मतलब पच्चीस साल टू एंड हाफ डेकेट पच्चीस साल से ज्यादा जितने भी लोग थे कहीं ना कहीं उनको एक झटका ही लगाया देर नॉट सेफाइड विक्टिम्स मेमोरियल है जो पा, पार्क के सामने मतलब एक पार्क है सिनेमा हॉल के सामने वहां पर ये रिफ्लेक्ट करता है जहां पर एक कोट लिखी हुई है मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर की उस मेमोरियल पे और वो क्या लिखा है नो कोर्ट नो नो वी आर नॉट सेफाइड एंड विल नॉट बी सैटिस्फाइड जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वॉट एंड राइटियसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम अनकोट अभी भी लोग सैटिस्फाइड नहीं है जस्टिस नहीं मिला है उनको दे स्टिल स्ट्राइविंग फॉर जस्टिस तो आपको क्या लगता है कि क्या इसमें जस्टिस होता है इस केस में आपके अकॉर्डिंग जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा सो दैट इज एड गाइड्स आरम्भ बैच शुरू हो चुके हैं बारह जनवरी से एनरोल कर सकते हैं दो हजार चौबीस के एसपरेंट्स लोन फैसिलिटी अवेलेबल जीरो परसेंट ई एम आई आप अवेल कर सकते हैं ये बेनिफिट भी टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर चल रही है आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करके एनरोल करना है लास्ट माइल बिच इज फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं साथ ही अन अकेडमी सेंटर खुल गया है ओल्ड राजेंद्र नगर में अगर आप ऑफलाइन सेशन में एनरोल करते हैं तो आपको प्लस के बेनिफिट्स भी यहाँ मिलेंगे 2024 के फाउंडेशन बैच के लिए एडमिशन ओपन है सो दट इज इट फ्रॉम माई साइड आई होप यू लाइक द सेशन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑलो इ आइकन सो दै यू गेट नोटिफिकेशन द लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस टेक केयर